बहुत शौक है मेरे पास इस टाइम मोर देन 40 और 50 प्लस बैग्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई एम श्री त्रिपाठी एंड इन टुडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग माय अमेज़न फाइंड, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रिटी ऐसे मजेदार मैं बैग्स दिखाने वाली हूँ। लिटरली ये वाला हॉल जो है ना थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको वैरायटी ऑफ बैग्स दिखेंगे एंड आई लव शेयरिंग बैग हॉल, चाहे वो मिंत्रा का हो चाहे वो अमेज़न का हो। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ फुटवेयर हॉल शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर लो। उसके बाद मैंने एक हेयर स्टाइलिंग टूल वाला वीडियो शेयर किया था, वो भी चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट, एंड यू गाइस कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। या विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन। मैं आपको बता देती हूँ अमेज़न के सेल के बारे में। सो किकस्टार्टर डील्स ऑफ अमेज़न ग्रेट फ्रीडम सेल आर लाइव नाउ। सो गाइस शॉप नाउ एंड गेट 50 to 80% ऑफ ऑन बोथ फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स। मेन जो डेट्स है वो 25 से 30 है, तो जाइए एंड भर भर के शॉपिंग करिए अपनी मनपसंद चीज। आज जो मैं आपको बैग्स दिखाने वाली हूँ उसमें 400 से स्टार्टिंग है एंड 2500 तक के मेरे पास बैग्स हैं। एंड मुझे बहुत शौक है मेरे पास इस टाइम मोर देन 40 और 50 प्लस बैग्स हैं। पहला बैग होने वाला है वो बहुत ही एक प्रिटी सा बैग है। सो दिस इज द फर्स्ट बैग एंड दिस बैग हैज़ माई हार्ट। इसमें आपको एक और कलर मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा ऐसे मार्बल प्रिंट वाला ये बैग है एंड इट इज़ वेरी स्टर्डी और काफ़ी पार्टी वेयर वाली वाइब देता है। मटीरियल है ना वो एक्रेलिक है एंड ये कुछ ऐसे ओपन होता है, यहाँ पर अंदर मैग्नेट्स लगे हैं एंड इसमें आपको एक गोल्डन कलर का स्लिंग भी मिल जाता है और अंदर पूरा वेलवेट और ऐसा सॉफ्ट सा एक मटेरियल लगा रखा है, मतलब एक क्लोथ है बेसिकली। सो ये अंदर लाइनिंग दे रखी है आपको और ऐसा कुछ लगता है दोनों तरफ से एकदम सेम ही है एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सी पर्ल्स जो है ना उसका ये हैंडल बना रखा है। सो दिस इज सच अ प्रिटी बैग। इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्रेलिक पर्स, इवनिंग क्लच बैग, मार्बलिंग हैंड बैग फॉर विमेन, क्रॉस बॉडी बैग विद पर्ल चेन, फॉर्मल वेडिंग प्रॉम पार्टी। दिस फॉर 1199। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा बैग है। चाहते तो इसको परचेज कर सकते हो एंड इसको आपको अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें इसमें स्क्रैचेस वगैरह ना आए एंड है तो ये बहुत प्यारा। नो डाउट हॉल में मैं आपको फॉर्मल, कैजुअल और पार्टी वेयर सारे बैग्स दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट जो बैग है दैट इज अ कैजुअल बैग और इसको आप ऑफिस में भी ले जा सकते हो इफ यू वांट। काफ़ी अच्छा बैग है, काफ़ी स्मार्ट पीस है। सो दिस इज द बैग एंड दिस इज अ ड्यू बैग। आपको इसको देख के पता लग गया होगा, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है द टोट बैग जो कि काफ़ी फेमस है एंड मैंने आपको बता दिया ड्यू बैग है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। टैन ब्राउन कलर में है एंड इतना इसका कुछ साइज है। आपको यहाँ पर एक मेन कंपार्टमेंट मिल जाता है एंड इसमें काफ़ी अच्छे इन्होंने ना हार्डवेयर यूज़ किए हैं, चेन लगी है इसमें एंड अभी तक मैंने इसका स्लिंग नहीं खोला है तो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये इसमें आपको स्लिंग मिल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर दोनों साइड में आपको हुक्स मिल जाते हैं, उस पर आप इसको लगा लो तो इतना बड़ा ये साइज हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक बढ़िया सा स्मार्ट पीस मुझे मिला अमेज़न पे। आई डोंट नो, ये हो सकता है कि अनअवेलेबल भी हो तो आप लोग चेकआउट कर लेना, मैं सारी लिंक्स आपको दे दूंगी। इस बैग का मैं आपको प्राइस बता देती हूँ 1500 और ऐसे ही कुछ था। काफ़ी मुझे सही लगा इसलिए मैंने जल्दी से ले लिया ये वाला बैग। उसके बाद मेरे पास है एक टोट बैग। इस तरीके के डिज़ाइन आपको मैंगो, ज़ारा में काफ़ी दिख जाएंगे। ये पूरा प्रिंटेड बैग है, हाउंड्स टूथ वाला आपको पूरा प्रिंट मिल जाता है इसमें एंड दिस इज वेरी स्टर्डी एंड गुड क्वालिटी बैग, काफ़ी बड़ा है। मेन कंपार्टमेंट एंड इसमें आपको यहाँ पर एक और जिपर वाला कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें आप अपनी छोटी मोटी चीजें रख सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर बेस में, ठीक है, ऐसे यहाँ पर स्टड्स टाइप के लगे हुए हैं सो दैट बेस इसका खराब ना हो, बेस की सेफ्टी के लिए खराब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, ठीक है। सो ये था नेक्स्ट बैग एंड इसके बाद मैं आपको एक पर्ल वाला क्यूट सा बैग दिखाऊंगी, ठीक है। ये इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड ये काफ़ी पिंटरेस्टी भी है। सो मैंने ये बैग लिया, मेरे पास ऐसा कोई भी बैग नहीं था, मेरे पास सारे ही ऐसे कैजुअल स्लिंग बैग्स थे, मोस्टली ब्लैक से थे। तो ये मैंने बैग लिया। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। दिस इज PR हैंड वर्क्स लग्जरी वाइट पर्ल पर्सेस हैंड बैग एंड दिस इज बेस्ट फॉर वेडिंग एंड कॉकटेल पार्टीज, या आपकी अपनी बर्थडे पार्टी है, आपको बहुत पसंद है पर्ल तो आप इसको ले सकते हो। आपको पिंटरेस्ट की पिक्चर्स क्लिक करानी है तो आप आप किसी भी आउटफिट के साथ उसको ले सकते हो। दिस वॉज फॉर 550 रुपीज। इट हैज दिस फ्लैप, इसको आप ओपन करते हो, यहाँ पर ऐसे मैग्नेट लगा हुआ है, इससे ओपन हो जाता है एंड इतना स्पेस है इसमें, तो आप थोड़ी बहुत चीजें, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, आप इसका साइज देख सकते हो इतना बड़ा है। एंड इसमें यहाँ पर जो हैंडल मिला ना उसको आप आराम से ऐसे कैरी भी कर। राजियो का बैग दिखा देती हूँ, इनके बैग्स मुझे काफी पसंद है, मेरे पास ये काफी सारे हैं, 4-5 तो होंगे यार, हाँ 4-5 होंगे आराम से। तो ये काफी अच्छे ऐसे आपको राइस बैग में मिलता है, डस्ट बैग में, एंड अच्छे से ये बैग था, मैंने शूट किया था इसलिए मैंने इसको निकाला। एंड जस्ट लुक एट दिस कलर, बहुत ही प्यारा कलर है, इसका पर्पल शेड है, ठीक है, साइज बहुत बड़ा नहीं है बट हाँ आई कैन कैरी फ्यू थिंग्स लाइक मेरी दोनों आराम से इसमें फ़ोन आ सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। तो अभी तक मैंने इसका अंदर का कुछ भी नहीं निकाला था, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन दिस इज द मेन कंपार्टमेंट, ऊपर जिपर लगी है इधर, एंड एक और जिपर कंपार्टमेंट पीछे मिल जाता है, आप लोग को दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। एंड यहाँ पर एक ऐसे सेक्शन दे रखा है जिसमें आप ऐसे छोटी मोटी चीज़ें अपने रख सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस बैग एंड ये शोल्डर बैग है गाइस, क्यूट सा, ऐसे आप ले लो अपने किसी भी आउटफिट के साथ। या आपको जो मैं बैग्स दिखाऊंगी उससे पहले मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ। मैंने अमेजन से 2 बैग्स ऑर्डर करे थे, तो मुझे वो जूट वाले बैग्स जो होते हैं वो बिने वाले, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे एस्थेटिक से, तो मैंने वो ऑर्डर किया था। बट हुआ क्या था कि मुझे वो कोई और ही उन्होंने बैग भेज दिया था जो भी उनके पास एग्जिस्टिंग थे, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। एंड मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, ये होगा ना व्हाट आई ऑर्डर्ड वर्सेस व्हाट आई गॉट, एकदम रियल वाला। इधर पिक्चर मैं लगा दूंगी, आप लोग को पता लग जाएगा कि कौन सा मैंने ऑर्डर किया था कौन सा रिसीव। वही 2 बार हुआ है मेरे साथ। ज़्यादा मैं बैग यूज़ करती हूँ, वो बैग है एक्सेसरीज लंडन का, ब्लैक कलर का, ठीक है। इसमें जो भी कलर अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। इसका मेन कंपार्टमेंट बहुत ही लाइट एंड बहुत ही गुड क्वालिटी बैग है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट काफ़ी अच्छा बैग है, ठीक है। तो मेन कंपार्टमेंट ही है इसमें। एक चीज़ ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, अंदर कोई भी आपको छोटे छोटे सेक्शंस नहीं मिलते, तो आप चाहो तो उसमें अपने पाउचेस कैरी कर सकते हो, बट दिस इज़ सच अ गुड बैग। और यहाँ पर आपको ऐसे लॉक करने के लिए यहाँ पर मैग्नेट वाला वो मिल जाता है बटन, और बस ये हैंडल्स हैं और ऐसा बैग है ये, सिंपल सा। बेस में वही वाले स्टड्स लगे हुए हैं जिससे बेस इसका सेफ रहे। लोग बहुत पूछते हो रील्स में, स्पेशली सब बहुत पूछते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट काफ़ी अच्छा मटेरियल है, आपको खुद देख के पता लगेगा। एक्सेसरीज लंदन का बैग, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का बैग है एंड जस्ट लुक एट द स्ट्रैप, इसका स्ट्रैप ही सबसे अच्छा और डिफरेंट है, थोड़ा सा बोहो वाइब भी आती है इससे। तो बेसिकली इट इज़ अ स्लिंग बैग, अकॉर्डिंग इसको छोटा भी कर सकते हो एडजस्ट करके, ठीक है। एंड इसमें भी हार्डवेयर ऑफ कोर्स, इनका ब्रांड काफ़ी फेमस है। तो ये इतना आपको बड़ा स्पेस मिल जाता है, जिपर वाला मिल रहा है एंड आगे भी एक मिल जाता है, यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक, तो ये भी आपको एक मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी कुछ चीज़ें रख के इसको बंद कर सकते हो। तो ये काफ़ी स्मार्ट सा बैग है। उसके बाद लास्ट बैग ऑफ दिस हॉल इज़ दिस वन। ये थोड़ा सा ना बेसिक सा और काफ़ी इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है, तो मेरी बहन ने लिया था। एंड ये कुछ ऐसे ही 400-500 रुपये का बैग था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। टैन ब्राउन कलर का बैग है एंड ये काफ़ी अच्छा खासा स्पेशियस है यार, ठीक है। आप चाहो तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो आराम से। इतना इसमें स्पेस मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना स्पेस है आराम से लैपटॉप और आपका सब कुछ ऑफिस का आराम से आ सकता है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, आगे भी आपको दोनों साइड में, ये मेन कंपार्टमेंट है, इसको आप बंद कर देते हो तो दोनों साइड में आपको यहाँ पर मैग्नेटिक बटन के साथ स्पेस मिल जाता है, बड़ा सा। तो अगर आपके पास छोटा लैपटॉप है तो आगे भी आप रख सकते हो, और वरना बीच में तो है ही, और आपको ऐसे 3 स्पेस बड़े कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। बाकी अंदर कोई छोटा कंपार्टमेंट इन्होंने नहीं बना के दिया है, बेस में कुछ नहीं लगा ना, बट बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके का इसमें ऐसे कैरी करने के लिए हैंडल्स दिए गए हैं। सो ये था लास्ट बैग ऑफ दिस हॉल। को 8 बैग्स दिखा दिए हैं और 2 की कहानी बता दी कि क्या हुआ था। सो ये था मेरा हॉल एंड आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मेरे व्यूज़ जो इतने कम है ना उतने भी नहीं होंगे, तो प्लीज़ लाइक किया करिए एंड कमेंट ज़रूर किया करिए। वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको इंस्टाग्राम का पता ही है, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लेना। एंड यस, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, आई लव यू ऑल, बाय।